क्या खबर लाए हो? सरदार, खबर मिली है कि पुलिस गदर सिंह को थाने से जेल लेके जा रही है। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम हर कीमत पर गदर सिंह को पुलिस से बचाएंगे। नहीं बजरंगा, ऐसा मत करना। अरे पगले, वो तेरा जुड़वा भाई है, तू उसके खिलाफ बोल रहा है? तूने चाहता मैं उसे छुड़ाऊं? सितारों की भिजवानी कह रही है, अगर तुमने गदर सिंह को बचाया तो तूफान मच जाएगा, दंगा हो जाएगा। अरे बुद्धू ऐसा मत बोल, सुना है तुम्हारे जैसे मस्त मलंग के मुंह से निकली हुई बात पूरी हो जाती है। मैं गदर सिंह को बचाने जा रहा हूँ, संभाल लेना। अगर तुम मेरी बात नहीं मानना तो ये ले, खा ले, बहुत मीठा है, मार ले, बहुत करारा है। चलो बजरंग धावा बोल करके गदर सिंह को छुड़ा ले गया। डाकू बजरंग ने गदर सिंह को पुलिस की हिरासत से छुड़ाकर हमारे मुंह पे एक ऐसा करारा तमाचा मारा है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, अब वो लावा बनकर कानून की जंजीर से नहीं खेल सकता, क्योंकि हेडक्वार्टर से एक जाबाज ऑफिसर उसे गिरफ्तार करने की कसम खा के निकल चुका है। सरदार, 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 थाने में एक नया इंस्पेक्टर आया है और उसने आपको गिरफ्तार करने की कसम खाई है। मुझे गिरफ्तार करने की? नादान है दरोगा लोग, न जाने कितने दरोगा आए मुझे गिरफ्तार करने की कसमें खाई, लेकिन ना जाने इस भीड़ में कहां गुम होके रह गए। आई कोई माई का लाल जो आए और मुझे गिरफ्तार कर ले और अपने सीने पर मेडल लगा सके? कोई नहीं, कोई नहीं, सब खोखले हैं। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि डाकू बजरंग मेरा और मेरे खानदान का बहुत पुराना दुश्मन है। हाँ मैं जानता हूँ, अगर उसे पता चला कि हम लोग बारात को लेकर निकल रहे हैं तो बारात में से कोई जिंदा वापस नहीं लौटेगा। तुम चिंता ना करो, हम बारात को लेकर काली पहाड़ी की तरफ यूं निकल जाएंगे और बजरंग को कानो कान खबर नहीं होगी। ठीक है सरदार। सरदार, खबर मिली है कि ठाकुर विक्रम सिंह की बारात शाम 5 बजे काली पुलिया से होकर गुजरेगी। ऊपर वाले के खेल भी निराले हैं। मैं क्या था, मुझे क्या बना दिया? इन जालिमों की वजह से मुझे कलम फेंक कर बंदूक उठानी पड़ी और आज इसी बंदूक से मैं इस आदमी को सबक सिखाऊंगा। चलो उसकी बारात लूट लो।
छुपी हुई है। आजा बाहर दुल्हनिया, तेरा सैया बाहर खड़ा है रे। हाय हाय सिंह कहां गया? सरदार, वो दुल्हन को उठाकर ले गया है। ऐसा नहीं किया। तुम लोग चलो, मैं आता हूं। गदर के पुत्र, सिवाय लड़कियों को छेड़ने के कुछ और भी आता तुम्हें? छोड़ूंगा तुझे। बजरंग, तूने कुत्ते के मुंह से बोटी छीनी है। बस ये कुत्ता तेरी इतनी बोटियां करेगा, इतनी बोटियां करेगा कि जंगल के पूरे जानवर तेरी एक एक बोटी को बड़े आराम से खाएंगे। अगर तू मेरा साथी नहीं होता ना, तो आज ये गोली तेरे सीने के पार होती। चला जा, चला जा। महंगा मुझे नहीं, महंगा तुझे पड़ेगा। तुझे, तुमने गदर सिंह को जो धमकी दी है कि मैं भाग जाऊं, गदर सिंह एक दिन ऐसा कदर मचाएगा कि यही तुम्हारा तेरे मुंह पर पड़ेगा। याद रख राजा कुत्ते। इजाजत अगर हो तो कर।
जाने मन जाने बहार फूले गुलजार यूं मटक के कहां जा रही हो मटका लगाने ये मटका लगाना तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों का काम नहीं सुनो मेरी रानी बन जाओ मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा माला माल कर देगा तू मुझे ये देखो ये देखो ये देखो मेरा बटुआ ऐसा फूला हुआ है सुनो तुम मेरी रानी बन जाओ मैं तुम्हें पैसा धन दौलत ऐश आराम सब कराऊंगा मेरी जाने मन अच्छा ये जो छोटी बड़ी फिल्में देखती हो ना इन सब का फाइनेंसर मैं हूँ अकेला बहुत बड़ा फाइनेंसर हूँ मैं हाय हाय ये तेरे बटुए में पैसे कितने होंगे यही कोई 5-7 हजार रुपए होंगे 5-7 हजार रुपया हाँ तू धंधा क्या करता है गिट्टू बोल धंधा क्या करता है धंधा यहाँ छोटे बड़े शहर जितने हैं ना सब में बड़े बड़े 5-स्टार होटल मेरे ही है तुम एक काम करो बोल मेरी से शादी करके मेरी रानी बन जाओ मैं तुम्हें माला माल धनवान सबसे सुख वाली स्त्री बना दूंगा अरे चल चल तेरी जैसे 420 लोगों को कहियों को घुमा घुमा के पागल खाने भेज दिए मैंने समझा के नहीं मुझे पैसे की लालच मत दे मैं तो यूं ही प्यार करूंगी तुझसे बच्ची आजा आजा मुझे गले लगा कर मुझे खूब प्यार कर आजा तेरा बटवा है ना हाँ मैं मेरे को पेट में लगता है हिंदू नहीं नहीं मेरे हाथ में दे दे हाँ ले ले अब हाथ खुल ले रख हाँ आँख बंद कर ठीक है मैं आती हूँ तेरी बाहों में आँखें बंद कर हाँ ठीक है जब तक नहीं बोलूँ ना खोलना हाँ, नहीं ठीक है मैं कहाँ गई अरे मेरा बटुआ ओ काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता नाम तो बता ओए होए बचाओ मुझे कोई बचाओ मर गई मैं तो बचाओ मैं मर गई मैं तो हवलदार साहब एक गुंडे ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की ओ माय गॉड इज्जत लूटने की कोशिश की हाँ अरे हम पुलिस वाले हमेशा लेट आते हैं काम होने के बाद आते हैं अच्छा ये बताओ उस गुंडे ने तुम्हारे कपड़े कहाँ से फाड़े जहाँ जहाँ से फटने चाहिए थे वहाँ वहाँ से नहीं फटे बाप रे यानी के कपड़ों के साथ ही उसने कर डाला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मैं आपसे एक बात कहना खामोश मैं पुलिस वाला हूँ मुझे पूरी तहकीकात करने दो हाथ ऐसा करो ऊपर करो ये हाथ भी ऊपर करो दोनों सब ऊपर मत करवाइएगा नहीं तो कुछ हो जाएगा तुम्हारा नाम क्या है मेरी ले ले ये कैसा नाम है मेरी ले ले मैं मिक्स ब्लड हूँ मेरा बाप गोवानी से माँ महाराष्ट्रियन है इसलिए मेरा नाम है मेरी ले ले अमलदार आपका नाम क्या है मेरा नाम है शक्ति ले ले। शक्ति ले ले ये कैसा नाम वो मेरी माँ पंजाबन है ना हाँ। इसलिए शक्ति बाप मराठी है ना हाँ। इसलिए ले ले हाँ। शक्ति ले ले मेरी ले ले शक्ति ले ले मेरी ले ले खुद ही बोलता है ले 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 फिर भागता है अच्छा एक बात बताओ कि ये जो बलात्कार तुम्हारे साथ किसी ने किया है उसने बलात्कार सामने से शुरू किया पिछवाड़े से शुरू किया नहीं किवाड़ से शुरू किया नहीं होने किया से शुरू किया नहीं होने वाला था अच्छा अच्छा दिशा कोई टाइम नहीं हुई थी ओह यानी कि बलात्कार करने वाले से तुम डिसाइड कर रहे थे कि बलात्कार कहां से शुरू किया जाए नहीं मैं नहीं वो डिसाइड कर रहा था वो गिट्टू है उसकी हाइट बहुत छोटी है स्टूल पर चढ़कर कर रहा था नहीं स्टूल पे था नहीं वो ढूंढ रहा था ओह हवलदार साहब
यही है वो गुंडा जिसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, पकड़ लो उसको। नहीं नहीं हवलदार साहब, ये इसने मेरा पर्स मारा है, इसने मेरा बटुआ चुराया है। हवलदार साहब इसे पकड़ लो। ये झूठ बोलता है, ये झूठ बोलती है, ये झूठ बोलता है, ये लड़की झूठ बोलती है। लुल्ला ले ले, लुल्ला ये क्या हो रहा है? एक का नाम है लुल्ला, एक का नाम है शक्ति ले ले, एक का नाम है मैरी ले ले, मैरी ले ले, शक्ति ले ले, लुल्ला लुल्ला लुल्ला, शक्ति ले ले, मैरी ले ले, मैरी ले ले, शक्ति ले ले, लुल्ला लुल्ला, शक्ति ले ले, मैरी ले ले। तुम कह रहे हो किसने तुम्हारा पर्स मारा? ये कह रही है कि तुमने इसकी इज्जत लूटी, तुमने इसकी इज्जत लूटी। हवलदार साहब इतनी लंबी चौड़ी लड़की की ये मेरी पर्सनैलिटी देखो, मेरी हाइट देखो, मैं इसकी इज्जत कैसे लूट सकता हूँ? नहीं लूट सकते, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने ये डंडा देखा है? अरे ऐसे डंडे तो बहुत देखे। सच सच बताओ क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, डंडा नीचे कीजिए और इसकी तलाशी लीजिए। मुझे पहले तुम्हारी तलाशी लेनी पड़ेगी। मेरी तलाशी लेने से पहले कोई माँ, मेरी लेने से पहले क्या तलाशी? ये है ना, इसकी ले लो तलाशी। क्यों रे? तू जितना छोटा कद का है ना, उतना ही तो मुझे गड़बड़ लग रहा है। नहीं हिलना, नहीं हिलना। ये क्या है? मेरा बटुआ जो इसने चुराया था। रुक जा। ये क्या हो रहा सर? मैं सच निकली ना। मेरी ले ले, शक्ति ले ले। तुम एक काम करो, तुम अपने घर जाओ, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, बहुत डेंजरस दिखती है। बहुत होशियारी मारकर। अरे सदके जाओ, बड़ी नमकीन लग रही है रे, आज लिपस्टिक क्यों नहीं लगाई? ये बता इस कोठे की रौनक शब्बो कहाँ है रे? वो तो बजरंग के प्यार में पागल हो गई है। पागल हो गई है? इज्जत की जिंदगी गुजार रही है। इज्जत की जिंदगी गुजार रही है? कहाँ है रे? पालनगढ़। पालनगढ़? तू बैठ, तू बैठ, बैठ। अच्छा तो पालनगढ़ गई है। गदा सिंह तू यू कुत्ते यहाँ क्या कर रहा है? चल पालनगढ़ चल। सरदार खबर मिली है कि गदर सिंह और उसके साथी चालू के गांव गए हैं। चालू ने उसे गिरा कर अगर उसके ऊपर बैठ गए ना तो सुरमा कर देगी उसकी हड्डियों का। पर इस साले राक्षस का कोई भरोसा नहीं है, ये जूते खाता है भाग जाता है, फिर जूते खाता है फिर भाग जाता है। चलो फिर आज इसकी मरम्मत कर ही देते हैं। सुन गया, अगर तुमने शब्बो को बाहर नहीं निकाला तो एक एक की लाश कोसों कोसों दूर नजर आएगी। खून के लग दो। रुक जा गजर सिंह। शब्बो शब्बो देख मैं आ गई। अरे मेरी जब्बो आ गई। याद रख गजर सिंह, एक दिन ये गांव वालों के आंसू तुझे जलाकर राख कर देंगे, तेरी ये हस्ती को मिटाकर खाक कर देंगे। शब्बो मेरी हस्ती को मिटाने से पहले मेरी मस्ती को मिटाना पड़ेगा। देख देख गौर से देख, पांव से लेकर सर तक शराब ही शराब है। वो शराब किसने भरी? तूने, तेरी मतवाली आंखों ने। हाथ नहीं लगाना। मुझे पहले ही पता था जब गदर सिंह आएगा
तो तुम्हें दुल्हन के रूप में पाएगा। मेरी भविष्यवाणी ठीक निकली। आज गदर सिंह तुम्हारे साथ स्वागत करेगा। गदर सिंह, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मैं तेरा फन कुचल के रख दूंगा। देख बजरंगा, यहाँ से चला जा, रंग में भंग मत डाल। अरे बड़ी मुद्दत के बाद चिड़िया मेरे कब्जे में आई है, वो भी तेरी शब्बो रे। चला जा यहाँ से, मैं कहता हूँ चला जा, वरना तू आत्महत्या कर लेगा। शैतान की औलाद, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बेटा, बंदूक से डराता है। खामोश, लो अब बकवास कर क्या बोलता है। समोसे बंदूक से तो कोई भी मार सकता है। हाथ से मार खा ले। अरे बजरंगा, अरे मैं तो शब्बों से मजाक कर रहा था रे। बहुत अच्छी लड़की है रे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। भाग जा, फिर इधर नहीं आना। देख लूंगा। चलो, आज अगर आप नहीं होते, मैं तो दुनिया वालों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। ए, जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, तमाशा हो रहा है। चलो इधर आ जा। ये छब्बी है, जलंधर दाने छब्बी है। आ जा। ए, तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ? कुछ है नहीं करने को, मैं तो जा रही हूँ। तेरे को इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पर? जा घर, जा घर, जाके आराम कर। घर जाके क्या आराम करूँ, मैं तो चली बाजार। मेरी बात तो सुन। बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी सबकी नजर में। न आया करो, नजर लग जाएगी अकेली। न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी सबकी नजर में। न आया करो, नजर लग जाएगी। समझो जरा बात मेरी जनाब, बजरिया में सबकी नजरिया खराब। नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी अकेली। न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। Come on, come on.
हमारे डिपार्टमेंट में आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे गिरफ्तार कर सके। बजरंग रुक जाओ, बजरंग मैं कहता हूँ रुक जाओ। बजरंग तुम फिर आ गई है? मैंने तो मना किया था कि इस कोठे पर नहीं आना। बजरंग तवायफ की तकदीर और मुकद्दर दोनों ही एक जैसे होते हैं। हम लाख कोशिश कर लें हमें वही आना पड़ता है जहाँ हमने जन्म लिया है। यानी मेरा समझाना सब बेकार हो गया? इस दरख को छोड़कर जाओगी? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। आप तो मुझे उस रोज बचा कर चले गए लेकिन वो गजर सिंह फिर आया और मुझे फिर से यहाँ आना पड़ा। गजर सिंह की माँ की आँख। चलो पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। तुम अपने आप को संभालो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम इस तरह की जिंदगी नहीं बसर करोगे ये वादा करो मुझसे। लेकिन बजरंग ये गांव वाले मुझे जीने नहीं देंगे। गांव वालों को मैं देख लूंगा। लगता है सारन ये पुलिस की सारन है। तुम चाहते हो ना मैं इज्जत की जिंदगी गुजारूं? बिल्कुल। तो मेरा एक काम करोगे? बोलो। ये सिंदूर मेरी मांग में भर दो। अरे मैं डाकू हूँ डाकू। मैंने तेरी मांग भरी उधर मत चल बसा। कौन संभालेगा तुझे? मैं तुम्हारे नाम के सहारे जी लूंगी। शादी की बात ठीक नहीं है। मुझे कुछ भी हो सकता है मेरा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मेरी दुआएं तेरे साथ है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। ठीक है तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मेरे पुलिस मेरे पीछे लगी। सुनो तो बजरंग तेरी और मेरी किस्मत दोनों एक है। तू पुलिस से भागता फिर रहा है और मैं जमाने के तानों से भाग रही हूँ। मुझे मालूम है कि तुम मेरे कभी नहीं हो सकते लेकिन मैं इस जमाने से चीख चीख कर ये नहीं कह सकती कि मेरा ख्याल नहीं हूँ। मैं तुम्हारी बीवी हूँ बीवी। बजरंग जिस तरह साजन बिना सजनी अधूरी है उसी तरह सिंदूर बिना मांग अधूरी है। बजरंग मैं अपनी मांग में सिंदूर सिर्फ इसलिए भरना चाहती हूँ ताकि ये दुनिया वाले मेरे आने वाले बच्चे को नाजायज ना कहें और मुझे कोई रखेल कह के ना पुकारे। बजरंग बजरंग मेरा तन मन सब कुछ तुम्हारा है। इसलिए इन हाथों को तुम्हारा हाथ समझकर मैं अपनी मांग भरूंगी। हाँ बजरंग हमें कोई अलग नहीं करेगा नहीं तो तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना मुझसे अलग मत होना। अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सुहागन ही मरूं। मिन राशि मिन लग्न। तेरे लग्न के अंदर पड़े हुए सितारे हैं गुरु चंद्र केतु सूर्य और नीच का शनि है। शुक्र मंगल साथ में पड़े हुए तू बड़ा व्यभिचारी है और राहु साथ में घर में पड़ा हुआ है। तू पत्नी का सुख नहीं पाएगा। तेरे नसीब में पत्नी नहीं है। बुध 11वें पड़ा हुआ है। तू जहाँ भी रहेगा भाड़ा नहीं दे पाएगा। ला बेटे तेरे हाथ की रेखाएं देखकर बताओ क्या क्या तेरे भविष्य में लिखा हुआ है। आहा, तेरे सितारे तो बहुत गर्दिश में है। 12 साल तक बहुत तकलीफ है बेटा। और 12 साल के बाद तेरे को तकलीफ की आदत पड़ जाएगी। ए, चल जा तू दूसरा गिरा गा रहा है। आ जा बच्चे मैं तेरी किस्मत की खिड़की खोल दूं। मेरी किस्मत की बंद खिड़की खोलने वाले तू शक्ल से दिखता टूटा दरवाजा। तू है कौन? ज्योतिषियों का बाबा छगन बाबा। छगन बाबा लगता है मैंने पहले आपको कहीं देखा है। जरूर देखा होगा बेटे जरूर देखा होगा। MTV पर VTV पर ZTV पर मेरे एल्बम चलते रहते हैं। एल्बम? कौन सी एल्बम? चल सन्यासी मंदिर चल इस गाने में तूने मुझको देखा होगा। हट मैंने आज तक कोई टीवी नहीं देखा है और मैंने कसम खाई है कि जब तक मेरे घर में बीवी नहीं आएगी मैं टीवी नहीं देखूंगा। टीवी बीवी। अरे बेटा नाराज क्यों होता है? टीवी भी आ जाएगी और बीवी भी आ जाएगी लेकिन तू याद करके तूने मुझको देखा कहाँ है। Thank you.
मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हारा कोई जुड़वा भाई तो नहीं है राम और श्याम फिल्म की तरह? मेरा एक जुड़वा भाई और बहन दोनों हम शक्ल है, उनमें से किसी एक को देखा होगा तूने। यानी के बीच का? बीच का है? अरे खैर छोड़ उसको यार, ला तेरा हाथ तेरा भविष्य मैं बताता। देख। अरे बेटे इसमें तो सब रेखाएं गायब है, तेरी रेखाएं कहाँ चली गई? अबे ओ खोन चुके, मेरा हाथ देख अपना नहीं, इस हाथ में रेखाएं ही रेखाएं हैं। माफ करना। तू देख देख, तू जरा हाथ ऐसा कर, मैं तेरी रेखाएं यहीं से देखकर तेरा भविष्य बताता हूँ। वाह बच्चे वाह, क्या तेरे हाथ की रेखाएं है, क्या तेरी कुंडली है। सूर्य बेडरूम में पड़ा हुआ है, चंद्र किचन में है, मंगल बालकनी में है, और राहु तेरे घर के बाहर खड़ा हुआ है। बेटा तेरा भविष्य बताता है कि तू बहुत जल्द हवलदार से इंस्पेक्टर बन जाएगा। नहीं बन सकता, मैं कभी हवलदार से इंस्पेक्टर नहीं बन सकता। वो इसलिए, जब तक मैं बजरंग डाकू को नहीं पकड़ूंगा मैं हवलदार ही रहूंगा, हवलदार ही मरूंगा। मुझे बजरंग डाकू को पकड़ना है तभी मैं इंस्पेक्टर बन सकता हूँ, वरना नहीं। लग जाएगा बेटे, बजरंग जैसा डाकू भी तेरे हाथ लग जाएगा, जरूर लग जाएगा। मेरा चेहरे का नूर बता रहा है कि मैं उसको पकड़ूंगा, अदावज है, यही मेरा फर्ज है बजरंग डाकू। अबे अदाब को छोड़ और बजरंग को देख, वो शिव के मंदिर से निकलकर रास्ते में चल रहा होगा, गली के अंदर उसे चिल की तरह दबोच ले। बजरंग डाकू तेरे दिन पूरे, अब तू मेरे हाथों से बच नहीं सकता। दे ताली दे ताली। बजरंग डाकू मैं आ रहा हूँ, हवलदारों का हवलदार मैं आ रहा हूँ। अब देख बेटे, मैं तेरे को हवलदार से जमादार बना देता हूँ, झाड़ू वाला। रुक जा बजरंग। देखते ही ये क्या हो गया, अंडे पे हाथी खड़ा हो गया। अभी मैं तुझे हाथी नजर आने लगा हूँ, तेरा कोई कसूर नहीं है, सरकारी अंडों में तेरे जैसे चूहे पैदा होंगे, तुम्हें आदमी भी हाथी नजर आएंगे। नहीं, तू पलक झपकेगा और मैं गायब हो जाऊंगा। अरे अगर तू गायब हो गया तो कमिश्नर करेगा मेरी धुलाई, छिन जाएगी मेरी वर्दी, नारे की छत नारे की चटाई, बांस के बिना बांसुरी बजने लगेगी। अरे दिलदार यार, मुझे तो तुझ पे तरस आने लगा है। एक काम कर, तू आ मुझे गिरफ्तार करके ले चल, और तेरी ये भी तमन्ना पूरी हो जाएगी। हुई ना बात, वाह वाह वाह, चलो इसको गिरफ्तार करो। हिलना नहीं यार, हिलना। बजरंग। अरे सालू तू कैसे आ गई यहाँ? तुम्हारे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो मैं यहाँ ज्यादा दिन थोड़े रुकने वाला हूँ, वो क्या ना वो हवलदार दिलदार सिंह, उसको तरक्की चाहिए थी। मैंने कहा चल मुझे गिरफ्तार कर ले, तुझे तरक्की मिल जाएगी। उस दिलदार की चिंता है तुम्हें, मेरी कोई फिक्र नहीं। अरे तेरी कैसे फिक्र नहीं हुई, मैं तो हर वक्त बस तेरे बारे में ही सोचता रहता हूँ। और उधर वो गद्दर सिंह, मेरा जीना बिल्कुल हराम कर दिया उसने। अगर उसने तेरी तरफ आंख उठाकर भी देखे तो मैं उसकी आंखें निकालूंगा। तू जा, मैं बस 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 बस। सच कह रहे हो? सच, मुझ तेरे से झूठ थोड़ी बोलूंगा। हाँ जा। अपना ख्याल रखना। और चिंता मत कर, तू जा सालू। मेरे सालू। बहादुर आजम, सिकंदर आजम, दिलदार सिंह की जय। दिलदार सिंह, ये बताओ तुमने बजरंग को पकड़ा कैसे? बजरंग सिंह को पकड़ा कैसे? वो कोई बकरी का बच्चा जो दौड़कर पकड़ लिया? अरे उसको पकड़ने के लिए शेर का गुर्दा और लोमड़ी का दिमाग चाहिए, तो इस दुनिया में सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास नहीं है। ये तो मैं जानता हूँ कि उसे पकड़ने के लिए शेर का गुर्दा और लोमड़ी का दिमाग चाहिए, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या भाई, तुमने उसे पकड़ा कैसे? उसने तुम्हें फायरिंग वगैरह तो की होगी? फायरिंग? वो कोई अकेला था
उसके साथ 100 डाकू थे। 100 डाकू? 50 उसके दाएं तरफ, 50 उसके बाएं तरफ, बाकी उसके साथ और 25 डाकू टेम्पो में आए थे सर। देताली टेम्पो में? हाँ, क्योंकि घोड़े कम पड़ गए थे ना, इसलिए उसने टेम्पो भाड़े पे किया, उस पर आए सर। अच्छा, फिर क्या हुआ? होना क्या है सर, उनके पास AK-47, AK-57 डबल बैरल थी, तोप थी, क्या क्या नहीं था सर, और मेरे पास सिर्फ एक पिस्तौल। फिर क्या हुआ? उन्होंने हैंड ग्रेनेड फेंका मेरे पास, मैंने हैंड ग्रेनेड कैच किया और वापस उधर फेंका, वो सब मर गए। देताली, उन्होंने वापस हैंड ग्रेनेड फेंका, मैंने फिर कैच किया, मैंने फिर फेंका और मर गए। देताली सर, उन्होंने मेरे ऊपर फायरिंग की, बम ब्लास्टिंग की, सब कुछ किया, लेकिन मैं बचता गया, बचता गया, बचता गया। ये देखकर बजरंग को गुस्सा आ गया, अपनी AK-47 निकाली और मेरे पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन सर, आप तो जानते हैं कि मैं बंदरों के खानदान से बिलोंग करता हूँ, मैं बंदर की तरह इधर कूदा, उधर कूदा, उसने उधर फायरिंग की, मैं इधर कूदा, उसने ऊपर फायरिंग की, मैं नीचे आया, उसने नीचे फायरिंग की, मैं ऊपर गया, बसता गया, बसता गया। देताली, फिर क्या हुआ? बजरंग को गुस्सा आ गया, मेरी और बजरंग की हैंड फाइटिंग शुरू हो गई। उसने मुझे घूंसा मारा बहुत जोर से, मैं 4 मील दूर जाके गिरा। देताली, 4 मील? हाँ सर। फिर मेरे को गुस्सा आया, मैंने बजरंग को एक ब्लो मारा, वो 8 घंटे के लिए ऑन द स्पॉट बेहोश हो गया। देताली, और फिर मैंने उसके हाथ में हथकड़ी डाली और आपके पास लेकर आया, पकड़ लिया। देताली, वेरी गुड दिलदार सिंह, अब तुम एक काम करो। क्या? तुम जाकर गद्दर सिंह को पकड़ो। देताली, अपने बजरंगा की अपनी शब्बो। तुझे पता है बजरंगा ने मुझे इतना मारा, इधर मारा, चुप रहा, उधर मारा, मैं चुप रहा, सबके सामने मुझे बेइज्जत किया रे, और आज मैं तुझे बेइज्जत करूंगा। उसने मेरा गला दबाया था, आज मैं तेरा गला दबाऊंगा। इस हाथ ले और दूसरे हाथ दे। गदर सिंह, अगर बजरंग आ गए तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बजरंगा तो क्या, उसका बाप तक नहीं आ सकता। यहाँ गदर सिंह का राज चलता है। गदर सिंह, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, राम नाम सत्य है। बजरंगा, देख तेरी शब्बो का मैंने क्रियाक्रम कर दिया रे। अब जा, लकड़ियों की तैयारी कर, सामग्री की तैयारी कर, और हरिद्वार से फूल जरूर लेकर आना रे। सरदार, 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 शालू का किसी ने बलात्कार करके उसको मार डाला। क्या? हाँ। तो क्या कहते हैं तुम लोग? शालू को बचा नहीं सके, मैं जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा, जान से मार दूंगा तुझे। शब्बो बहुत अच्छी थी रे, उस बेचारी ने तो कहीं जन्म भी ले लिया होगा। जा, 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 तो जा, जा। सालू, तेरी चिता की कसम, जिसने तेरी जिंदगी तुझसे छीनी है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा लगता है कि सितारे कोई कई नई करवट ले रहे हैं। मत लो बजरंगा, मत लो, मत लो बजरंगा, मत लो, भगवान इसकी आत्मा को शांति देगा, मत लो। सालू के कातिल को मैं पाताल से भी ढूंढ के निकाल लूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मुझे नहीं छोड़ूंगा। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पालनगढ़ में जो कुछ हो रहा है उससे हमारे पूरे डिपार्टमेंट की इज्जत एकदम मिट्टी में मिल गई है।
मेरी समझ में नहीं आता आप लोग कुछ करते क्यों नहीं। सर, बजरंग डाकू और गदर के खौफ से वहाँ पर कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा, अब उस गांव में गवाह जरूर मिलेंगे क्योंकि मैंने इंस्पेक्टर राजा को स्पेशल टास्क फोर्स के साथ वहाँ भेज दिया है। गंगा, ओ गंगा। आई भैया। अरे जल्दी कर बहन, मुझे देर हो रही है। खाना नहीं लेकर जाओगे? लेकर जाऊंगा। ला खाना दे। जल्दी आना भैया। जल्दी आऊंगा, मैं सब समझता हूँ। अरे ये देख। जाओ, बात नहीं करना। अरे देख तो सही, ये तेरे होने वाले पति का है। अच्छा देख तो ले। नहीं। अच्छा ले तो सही। पगली, चलता हूँ। रूपा को दिखाऊंगी। अरे ओ रूपा, 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 अरे ओ रूपा, तुझे कब से आवाज दे रही थी, सुनाई नहीं दे रहा था क्या? क्या बात है गंगा, आज तू बहुत खुश लग रही है। पता है आज मैं तुझे तेरे होने वाले जीजा की फोटो बताने आई हूँ। अरे बता ना। नहीं बताना। समझी, मुझे भी नहीं देखना है, जा। अरे रूपा सुन तो, एक बार तो देख ले। नहीं मुझे नहीं देखना। अरे देखना। नहीं। ओ, बड़ी फुर्सत से बनाया है इसे, नजर नहीं लगाना, काजल लगा के रखना नहीं तो ताक झक करेगा। Thank you.
बस्ती बसा ले सनम, प्यार के गांव में घर बना ले सनम। रूठे दुनिया ना रूठ ना तू सनम। बहारों में तू जाने जा, सारे नजारों में तू जाने जा। दिल की धड़कन में है तू साजना, चाहत के आंगन में तू साजना। दिल की धड़कन में है तू जाने जा, चाहत के गुलशन में तू जाने जा। पिताजी के मरने के बाद हमने सोचा कि आप अपना वादा भूल गए होंगे। नहीं बेटा, उनके मरने के बाद वो वादा और भी मजबूत हो गया। तुम्हारा बाप मरा नहीं, आज से मैं हूं तुम्हारा बाप, और गंगा इस घर में बहू नहीं बेटी बनकर आएगी। चाचा जी, गंगा को इस घर में लाने से पहले एक बार राजा उसे देख लेता तो? अरे बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं। राजा मेरा भतीजा है, मुझे पता है वो किस तरह से पटेगा। एक हाथ में उठा लूंगा चप्पल और एक हाथ में पेड़ा, देखता हूं शादी कैसे नहीं करता। लेकिन चाचा जी, एक बार उससे पूछ तो लिया होता ना। अरे बेटा, मैंने कहा ना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने भतीजे को समझा दूंगा, तुम जाकर शादी की तैयारी करो। हाँ। और मैं बारात लेकर आता हूँ, आगे आगे चलूंगा मैं और पीछे पीछे दूल्हा। नहीं 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 नहीं, आगे आगे दूल्हा और पीछे पीछे मैं। चाचा जी, जीते रहो बेटा। ठाकुर साहब का दर्शन करते हैं। अरे ठाकुर साहब नहीं है? ओ ठाकुर साहब। अरे ठाकुर साहब आइए ना, देखिए कौन आए हैं। लगता है याशी कर रहे हैं। आओ आओ आओ। मेरे पाप की कढ़ाई में कि जलेबियां तलने वालों, आओ बोलो कैसे आना हुआ। अरे ठाकुर साहब, हम तीनों इस गांव का सत्यानाश करने आए हैं। क्या बकवास करते हो तुम लोग? मेरे होते हो इस गांव का सत्यानाश करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो तुम लोग? ठाकुर साहब आप समझे नहीं। हाँ, ये फॉरेस्ट ऑफिसर है, पेड़ कटेंगे और बिकेंगे, आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। ठाकुर साहब, गांव में स्कूल तालाब बनाने का ठेका हमें मिला है, लेकिन गांव में कुछ नहीं बनने वाला है, लेकिन आपकी जलेबी का हिस्सा आपको मिल जाएगा। गांव वाले चाहते हैं कि पाठशाला बने, लेकिन हम चाहते हैं कि मधुशाला बने ठेका खींच के। अरे भाई, मधुशाला तो बाद में भी बन जाएगी, लेकिन ठाकुर साहब हमारी प्यास कौन बुझाएगा? ओए 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 ओए, अरे छप्पन चुरी। जी सरकार, मेरे सैया को नजर लगे ना पूरी। अरे मेरे नजर के बच्चे, शहर से मेरे मेहमान आए हुए हैं, उनके लिए किसी चिड़िया का बंदोबस्त करो। अरे सरकार, जो बुलबुल आपने पाली थी वो तो फुर हो गई। अबे तो क्या ये तेरा मुंह देखेंगे? जाने दीजिए ठाकुर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो चलिए गांव के किसी कोयल का शिकार करते हैं, जो हमारे दिल की धड़कन की भूख अपनी सुरीली कूक से मिटा सके। चलिए चलिए चलिए। हाय हाय, फिर आज किसी की जिंदगी बर्बाद होने वाली है। गदर सिंह के जंगलात में गदर मचा रही है। ठहर जा, ठहर जा। आजा, अब भाई हाथ में, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। सरदार,
दूसरी गदर सिंह से गद्दारी कर रही थी, अब पसीना अंदर जाके अबे कलवा, ये कफन है या किसी की गोदड़ी का लाल है रे? नहीं सरदार, ये तो ठाकुर ने आपके लिए तोहफा भेजा है सरदार। ठाकुर ने मेरे लिए तोहफा भेजा है? खुल 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 खुल, हाय हाय, अरे वाह! अगर गदर सिंह किसी मिठाई को पसंद करता है तो इस मिठाई को पसंद करता है रे। पहले ये बता, इस मिठाई से किसको निशाना बनाऊं? बोलो रे। इधर आ, इधर आ, किसको निशाना बनाऊं? सरदार, वो दूर से एक आदमी आ रहा है सरदार। वाकई ठाकुर साहब मजा आ गया, दिल करता है बार बार उसी गंगा में डुबकी लगाऊं। अरे यार शेरू, प्रसाद खाने को एक बार मिलता है, बार बार नहीं। अरे पंडित, इस गंगा को हमने इस हाल में छोड़ दिया कि वो अब जमाने को किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। ना वो पुलिस के पास जा सकती है, ना गांव वालों को कुछ बता सकती है। अरे वो हमारे दबदबे को अच्छी तरह से जानती है, अगर ये बात उसने किसी से कही तो उसे मालूम है कि उसकी लाश किसी तालाब के किनारे पड़ी नजर आएगी। और आप जब चाहे बुला सकते हैं। अरे ठाकुर साहब, बुलाने की क्या जरूरत है, उसे अपने हवेली के किसी कमरे में कैद करवा लो, जब जी चाहेगा जो चाहेगा हाथों पर आ जाएगा। पहली बार अकलमंदी की बात की है इसने। अरे दासी की जगह हमेशा चरणों तले होती है, जाओ उस दासी को हमारे चरणों के पास पेश किया जाए। सकती, अगर तुम माँ होती ना तो आज मेरे साथ ये होता? मैंने तेरी पूजा में क्या कमी छोड़ी थी माँ? तूने मेरे भाई को मुझसे छीन लिया, क्या क्या सपने देखे थे मेरे भाई ने मेरे लिए, सब टूट गए माँ, मेरी इज्जत लूट गई। मैं किस तरह अपने सुहाग को अपनी मांग में सिंदूर भरने दूं? मैं किसी काबिल नहीं रही माँ, मैं नहीं जिंदा रहना चाहती, मैं मर जाऊंगी माँ। माता की, हाँ? ये कौन है? कौन हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? मुझे मत छू, मुझे मत छू। डरो नहीं, मैं बजरंग हूँ, बजरंग। बजरंग भैया, मुझे ठाकुरों ने किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। डरो नहीं, तुमने बजरंग को भाई कहा है ना, आज से तुम मेरी पनाह में हो। और इन ठाकुरों के साथ मैं क्या करता हूं तुम देखना। उठो चलो। सुनिए देवी जी, सुनिए जरा, आपको पालमगढ़ का रास्ता मालूम है?
अरे बाबू, आप तो थानेदार हैं, आपको पालमगढ़ का रास्ता नहीं मालूम? और वो आपकी वो जीप कहाँ है? भाई आया मैं जीप में ही था, लेकिन कुछ फासले पर मेरी जीप खराब हो गई है। अगर आपको रास्ता मालूम है तो मुझे बता दीजिए। हमें मालूम है, आप यहाँ से सीधे जाइए। सीधे? सीधे जाके आप दाएं मुड़ जाइए। बाएं मुड़ के? हाँ, दाएं मुड़ के आप फिर सीधे जाइए। सीधे? और आप बाएं मुड़िए, फिर वहाँ पर एक कुआं मिलेगा। कुआं? आपको प्यास लगी होगी, आप पानी पी लीजिए वहाँ कुएं में। फिर आप सीधे जाइए, सीधे जाके एक शिवजी का मंदिर मिलेगा। हाँ। वह शिवजी के मंदिर में आप माथा टेक लीजिए। हाँ। और फिर आप एकदम एकदम सीधे 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 जाइए। हो गया? और बस 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 वही है पालमगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया, लगता है किसी और से ही पूछना पड़ेगा। बाबा 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 बाबा, एक और शेर सुनाऊं? एक और शेर? दिलदार सिंह जी, बोर होने की भी हद होती है, आप अपनी शेरों शायरी बंद करिए वरना हम सब आत्महत्या कर लेंगे। आत्महत्या अवश्य करना, लेकिन मेरा शेर सुनने के बाद अर्ज किया है खिलीती धूप भी और खिलीती धूप भी पानी भी बरस रहा था, खिलीती धूप भी पानी भी बरस रहा था। अरे जब तू पैदा हुआ तेरी माँ रो रही थी, पाप हंस रहा था। शक्ति सिंह, गुड मॉर्निंग सर। शक्ति सिंह, ये सब क्या हो रहा है? कल गुले लाल थे, आज पीले पड़ गए। औरतों के राज में सब मर्द ढीले पड़ गए। सर ये ऑल इंडिया पुलिस स्टेशन मुशायरा हो रहा है। सर काफी बोर हो रहे हैं। शाड़ाप, जाकर डाकुओं की फाइल लेकर आओ। कम ऑन। यस सर। एक शेर? नो, जल्दी जाओ। और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अपना अपना काम करो। कम ऑन। ये लीजिए सर फाइल। दिलदार सिंह, ये कौन है? ये एक बहुत ही भयंकर डाकू है। ये तो मैं भी जानता हूं, लेकिन तुम इसके बारे में क्या जानते हो? कुत्ता, कमीना, इसको वो कीड़े पड़े जिनको पहले से कीड़े पड़े हो, सड़के गल के मरे है सर। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है ये बहुत ही गंदा किस्म का डाकू है सर, इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। समझ गया। ये तस्वीर किसकी है? शरीफ, गरीबों का दाता। मैं इसका फैन हूं सर, इंसान नहीं फरिश्ता है, भगवान करे इसे पुलिस कभी ना पकड़े। हा? मेरा मतलब है पुलिस के हाथ में जल्दी आ जाए सर। ये लड़की? सर ये गिरोह में नहीं ज्वाइन हुई है, इसने आज तक कोई गुनाह नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है। इसका नाम है गंगा, लेकिन गिरोह में शामिल होने के बाद राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओके सिद्धार्थ सिंह, क्या तुम जानते हो ये डाकू बजरंग कहां मिलेगा? नहीं मिलेगा सर, सारे गरीब लोग इतना प्यार करते हैं उसको, वो तो इसका पता बताएंगे नहीं। हाँ एक इंसान इसका पता बता सकता है। हाँ, वाह, पागल पागल, गांव का पागल, वो पागल है ना, भयंकर किस्म का पागल, वो गांव का पागल। बाबा आपसे मुझे एक काम है। मेरे से क्या काम है तुझे? मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। अच्छा, तू भिखारी से भीख मांगने आया है? भीख मांगने नहीं बाबा, डाकू बजरंग और गंगा का पता जानने आया हूँ। अरे पहले ये क्यों नहीं कहता कि तूने अभी तक भगवान के दर्शन नहीं किए? जा, जा। मंदिर में जा, तुझे साक्षात भगवान के दर्शन हो जाएंगे। जा, जा, जा। लो तुम भी लो काका। बजरंग, लूटा हुआ माल लुटाने वाले बजरंग, अब
अपने आप को कानून के हवाले कर दे। इंस्पेक्टर, मैं इन गरीबों का खून चूसने वाले उन अमीरों को लूटता हूँ, गरीबों का माल वापस गरीबों तक पहुँचा देता हूँ। तो तुम्हारा कानून इसे पुण्य समझे या पाप, ये तुम जानो। बाकी रहे मुझे गिरफ्तार करने के बाद, बच्चे तेरे बस में नहीं है, यहाँ चला जाए यहाँ से। मुझे इस पवित्र जगह पर खून की होली खेलने का कोई शौक नहीं है बजरंग, चुपचाप मेरे साथ चलो वरना। इस खिलौने से क्या डराते हो बच्चे, इसके साथ तुम बचपन से खेलता आ रहा हूँ, तुम्हारा निशाना चूक सकता है मेरा नहीं। नहीं भैया, रुक जाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। दरोगा बाबू, आप यहाँ से चली जाइए। ठीक है बजरंग, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो। तुमने इस मासूम लड़की को डाकू बना दिया है, इस घिनौने काम के आगे तुम्हारे सारे पुण्य आज बेकार हो गए हैं। अरे ठीक है, तुम्हारी आंखों में आंसू, मैंने तो तुम्हें पत्थर बनाया था, और आज पत्थर की आंखों में आंसू देखकर आश्चर्य हो रहा है, लगता है मेरी सारी मेहनत बेकार गई। भैया, इंसान लाख पत्थर बन जाए लेकिन उसका दिल नहीं पत्थर बन सकता। जब उस पर चोट पड़ती है ना, तो अपने आप ही आंसू निकल आते हैं। गंगा, ऐसी कौन सी चोट है जो हमारी बहन को रोने पे मजबूर कर रही है? भैया, वो जो दरोगा आपको गिरफ्तार करने आए थे, वो मेरे मंगेतर थे, मेरे दिल की धड़कनों के मालिक थे। भैया, मैं उनसे प्यार करती थी और करती रहूंगी। गंगा, मेरी बहन, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चल मेरे साथ, मैं आज तेरा उसके साथ लगन करवा देता हूँ, पर खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। चल। नहीं भैया, कई चादरें ऐसी होती हैं जो एक बार मैली होने पर लाख बार भी धोए तो भी साफ नहीं होती, और उन्हीं चादरों में से मैं एक हूँ। मैं उनके काबिल ही हूँ नहीं भैया, बस मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, उन जालिमों को मौत की चाल में फांस कर मारूं और अपने आप को कानून के हवाले कर दूं। क्या डाकू बजरंग ने गंगा को पनाह दे दी? हाँ ठाकुर साहब, गंगा ने डाकू बजरंग को बलात्कार की सारी कहानी बताई है, अब हमारी खैर नहीं। खैर, डाकू बजरंग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या बिगाड़ नहीं सकता, वो बिगाड़ेगा कुछ नहीं, धड़ाम करके सीधा गोली मारेगा। जब से तूने डाकू बजरंग का नाम सुना है, तुम तो जिंदा लाश बन गए हो, खुद डरते हो, हमें भी डराते हो। क्या करें ठाकुर साहब, आपके पीछे आपकी मदद करने के लिए आदमी लोग हैं, मेरे पीछे कौन है, मैं तो अकेला हूं ना पैकअप। हमारी पनाह में आ जाओ। कब तक, दिन रात महीने साल तक, कब तक मैं आपके पनाह में जीऊंगा? मैं डर डर कर घुट घुट कर जीना नहीं चाहता, मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ, मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ। अरे शिवा, अरे नहीं नहीं, जा रहा हूँ, सुनो मेरे बारे में, जा रहा हूँ। साला डरपोक, बजरंग से डरता है। कमाल, किसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं होती है? अरे मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है ठाकुर साहब, मैं अब जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं आऊंगा। जब बोलते हैं तब इसी गांव में रहो, यहाँ रहो, वो जब मुझे देखेगी मुझे गोली मार देगी। हाँ धाम से। अरे नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ, ठेका खींच के, ठेका इधर, ठेका ऊपर, ठेका नीचे, ठेका यहाँ, ठेका वहाँ, ठेका यहाँ, ठेका वहाँ, ठेका इधर, ठेका नीचे, ठेका। गंगा गंगा, तू डाकू? हाँ मैं, और डाकू। गंगा जवाब कर दे, मैं तो गांव छोड़ के जा रहा हूँ, ठाकुर को भी छोड़ के जा रहा हूँ, ठाकुर को कुत्ते की तरह मार, मुझे माफ कर दे। जिस दिन तुम चारों ने मुझे बर्बाद किया था, उस दिन भगवान ने मुझे तुम्हें मारने का ठेका दिया था, आज मैं तुझे मार के अपनी पहली किस्त पूरी करूंगी। भाग ठेकेदार भाग। मैं भागू? मगर इस गोली से ज्यादा तू तेज नहीं भाग सकता। ठेकेदार का खून हो गया है, लेकिन क्यों? क्या तुम में से कोई जानता है ये खून किसने किया है? मैं बता सकता हूं, ये वो शख्स है जो सामने खड़ा है, इसने अपनी आंखों से, आंखें किधर है, इधर, हाँ
इसने अपनी आंखों से खून होते हुए देखा है। तुम इस कत्ल के बारे में क्या जानते हो? कि मैंने देखा गंगा आंधी की तरह आई और ठेकेदार को गोली मार के तूफान की तरह वापस लौट गई। और कुछ देखा या सुना तुमने? सरकार गंगा कह रही थी कि अब वो उसके दूसरे साथी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। तुम जानते हो इसके और साथी कौन कौन है? सरकार फतेहगढ़ के ठाकुर के उनका आना जाना था। फतेहगढ़ का ठाकुर? शेर सिंह नाम है मेरा। आओ शेर सिंह बैठो। मुझे आपने याद किया? शेर सिंह तुम्हें यहां बुलाने का कारण यह है कि हमें लगता है कि ठेकेदार का कत्ल और डाकुओं के मामले में तुम कानून की हेल्प कर सकते हो। ठेकेदार के कत्ल के मामले में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? बहुत कुछ कर सकते हो। हमें मालूम है कि ठेकेदार और तुम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। हंसता था वो और आवाज तुम्हारे मुंह से आती थी। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब यह है शेर सिंह, गंगा ने बंदूक बिना वजह नहीं उठाई है। जरूर तुम लोगों ने उसके साथ ऐसा कुछ किया है जिससे मजबूर होके वो तुम लोगों की दुश्मन बन गई है। देखो अगर तुम हमारी मदद करो। मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। न जाने वो क्यों हमारे जान की दुश्मन बन गई। तुम झूठ बोलते हो शेर सिंह। शेर सिंह झूठ बोलकर अपनी मौत को दावत मत दो। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूं गंगा से तुम्हें मैं बचाऊंगा। शेर सिंह खुद की हिफाजत करना अच्छी तरह जानता है। इंस्पेक्टर मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूं, कोई देहाती नहीं जिसे तुम अपनी बातों के जाल में उलझा कर कानून के फंदों में फंसा लोगे। चलता हूं, गुड बाय इंस्पेक्टर। शेर सिंह तुम्हारी अक्ल तो उन पागलों से भी गई गुजरी है जो आग को फूल समझकर अपनी मुट्ठी में कैद कर लेते हैं। आज से इस पर कड़ी नजर रखनी होगी। हिम्मत है तो बाहर निकल। मैं ठेकेदार नहीं हूं गंगा जो इतनी आसानी से तेरे हाथ में आ जाओ। क्यों शेर सिंह, अभी तुम्हें लगता है कि तुम्हें पुलिस की जरूरत नहीं है? अभी तुम्हें लगता है कि तुम गुनहगार नहीं हो? यह भी हो सकता है कि किसी और के धोखे में मुझे निशाना बनाया गया। अभी पता लग जाएगा। तुम्हें अभी मैं बचाऊंगा क्योंकि यह मेरा धर्म है। उसके बाद मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा क्योंकि वो मेरा फर्ज होगा। मैं अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकता गंगा। नहीं राजा बाबू, ये मेरा पुराना कर्जदार है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। और मेरे जीते जी तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती हो। ठीक है राजा बाबू, आपकी बात मैं टाल नहीं सकती। शेर सिंह आज तू इनके कारण बच गया लेकिन अगली बार नहीं बच सकता। चलो साथियों। चलो शेर सिंह, पुलिस चौकी चलो। पिस्तौल दिखाने की जरूरत नहीं इंस्पेक्टर राजा, मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूं। और वैसे भी आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन था। आपने मेरी जान बचाई इसलिए बहुत बहुत मेहरबानी है। चलिए चलो। शेर सिंह को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है इंस्पेक्टर। अपने आप को कानून के हवाले कर दे शेर सिंह। कानून से तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले मैं तुझे निपटूंगा क्योंकि तू मेरे बारे में बहुत कुछ जान चुका है। मैंने कहा था ना राजा बाबू, ये आदमी जीने के लायक नहीं है। गंगा, तुमने इसे मेरे सामने मारा है। जिस दिन तुम मेरे हाथ लग गई वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। एक बार मुझे अपने हाथों में तो लेकर देखो बाबू, मैं एक बार क्या हजार बार आपके लिए मरने के लिए तैयार हूं।
कोई नहीं देख रहा। नहीं 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 पप्पी लेता हूँ पप्पी, कोई नहीं देख रहा। ये कौन था? ले ले डार्लिंग ले ले। अरे क्या है? जरा मेरे पास आना, ले ले। आ रही हूँ। आना जल्दी आना। आ रही हूँ। क्या चिल्ला रहे हो? आती तो हूँ ना। ले ले मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे थोड़े से पाँव दबाया हुआ। नहीं नहीं पापा पापा पाँव पा, पा, में नहीं दबा सकती। क्यों नहीं दबा सकती? मेरी भाभी ने कहा है जब भी कोई जवान लड़की जवान लड़के के पैर दबाती है ना तो लड़की के दिल में कुछ कुछ होता है। तुम्हारी भाभी ने बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हारी भाभी ने ये नहीं बताया कि जब लड़के का पाँव लड़की दबाती है तो लड़की को भी कुछ कुछ होता है? हाँ मेरे दिल में तो बिजली कड़क जाती है। सो जाओ ना। बिजली कड़क रही है ना, इधर भी बहुत कुछ कड़क रहा है। मेरे पाँव दबा दो। नहीं पाँव नहीं दबा सकती मैं, बोला ना मैंने। अरे ले ले पाँव नहीं दबाएगी तो मेरी थकान दूर कैसे होगी? मेरी थकान दूर होगी तेरे को बहुत आनंद प्राप्त होगा। तेरे को ऐसा लगेगा कि तू जन्नत में पहुंच गई। नहीं नहीं जन्नत का नजारा दिखाऊं? ना नहीं देखना है, देख देख के बुढ़ी हो गई मैं। तू तो मेरे दिल से पूछ कितनी जवान है। ऊपर से हेमू आंटी है, बीच में से शुरू आंटी है, और नीचे से कश्मीर आंटी है। एक दिन तेरा ढक्कन में जाए तेरा करूंगा। अब चल ऐसे से गुजारा कर लेते हैं आज फोटो से। हाँ हाँ कोई देख तो नहीं रहा ना? अरे आजा मेरी रानी, इमरजेंसी में सब चलता है। इंस्पेक्टर राजा हियर। मुझे राजा से ही बात करनी है। कौन बोल रहे हो? अरे गधे पहचाना नहीं? मैं हूँ तेरा अंकल अजय सिंह। ओह चाचा जी आखिरकार आपने मुझे ढूंढ ही लिया। अरे बेटे तू चांद पर भी चला जाता ना तो वहां जाकर तुझे ढूंढ कर तेरी शादी करवा देता। शादी की बात छोड़िए और सुनाइए सब कुछ खैरियत तो है? अरे यही तो खैरियत नहीं है। क्यों क्या हुआ? वो लड़की का भाई, क्या नाम है उसका, शंकर, अभी तक लौट कर नहीं आया। किस गांव में रहता है वो? अरे बेटे उसी गांव का है जिस गांव में तू नौकरी कर रहा है। क्या नाम क्या उसका? उसका नाम बताया ना, शंकर है, और उसकी बहन का नाम है गंगा। अरे बेटे तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? कुछ नहीं मैं बाद में फोन करता हूँ आपको। अब मुझे गंगा को ढूंढना ही होगा। आ गई आ गई आ गई, हर रोज की तरह रानी राजा को मिलने आ गई। आओ 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 आओ। क्यों रानी आज फिर से राजा से मिलने आ गई, लेकिन क्यों? नाम है शक्ति ले ले उर्फ दिलदार सिंह। न लेना आता है न देना आता है, दिलों के मामले में तुम बिल्कुल निखट्टू हो। समझ गया समझ गया। गली भवरे की दीवानी है यही इन दोनों के दिलों की कहानी है। तुम समझ ही गए तो बता दो ना मेरा थानेदार कहाँ है? तुम्हारे थानेदार का पैकअप हो गया है। सुबह होते ही वो जंगलों में चला जाता है, वहाँ भटकता रहता है, गाता है लैला लैला पुकारू मैं बन में, मोरी लैला बसी है मोरे तन में। रात होती तो पहाड़ी के पीछे जाके बैठ जाता है, पता नहीं क्या करता है बैठ के। आधी रात होती थी घर वापस आ जाता है, अंदर जाओ दीवारों से सर टकरा रहा होगा और बोल रहा होगा राने 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 राने। ये पागल तो नहीं हो गया? एक राजा एक वो रानी एक ये रानी। अगर तुम्हारा काम नहीं बने ना तो मेरे पास वापस आ जाना, यहाँ पर एंट्री ओपन है, उधर नो एंट्री। चल हट। मेरे पास कोई नहीं आती है। क्यों नहीं लग रहा इसलिए? पर बहुत अच्छा है मेरा। हाँ सर। All right, sir. अरे ओ थानेदार। सर मैं कल रिपोर्ट कर दूंगा। ओ थानेदार। थैंक यू सर। पारो कहाँ रहती हो आजकल? हम तो आपके दिल में रहते हैं। क्या कहा? मेरा मतलब ये है साहब हम गांव छोड़कर जाएंगे कहाँ? अच्छा क्या खबर लाई हो? ये तो खबर ही पूछते रहेंगे, कभी मेरी भी खबर लिया करो। अब तुम्हारी क्या खबर लूं? भली चंगी तो लग रही हो। भली चंगी कहाँ हूँ थानेदार। क्यों
कोई तकलीफ है तुम्हें? एक तकलीफ हो तो बताओ थानेदार। रात में नींद नहीं आती, दिन में भूख नहीं लगती, खोई खोई सी रहती हूँ, दिल में कुछ कुछ होता है। और जब दिल में कुछ कुछ होता है ना, तो दिल रह रहकर कहता है, हम तो मोहब्बत करेगा, खुदा गवाह है मैंने प्यार किया, तेरा जादू चल गया रे। ओफो, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? थानेदार, हम अपनी तकलीफ बता रहे हैं और आप इसे बकवास कहते हैं? पारो प्लीज, मैं बहुत परेशानी में हूँ, तुम जाओ यहाँ से। क्यों? डाकू गंगा की वजह से। आपकी परेशानी मेरी परेशानी है, मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती। आपको गंगा का ठिकाना चाहिए ना? हाँ। मैं गंगा के सारे ठिकाने जानती हूँ। सच? चलोगे मेरे साथ? हाँ। आओ चलो। बस आ गया ठिकाना बाबू। कहाँ है उसका ठिकाना? यही तो है वो जगह। लेकिन गंगा कहाँ है? अरे मेरे गरम मसाले, मैं हूँ ना तुम्हारी गंगा। चला। किसी की मोहब्बत का जवाब तमाचा मारकर दिया जाता है क्या? मोहब्बत? जब से मैंने तुमको देखा है, दिल में हलचल सी मच गई है, बस इंतजार था तुम्हारी हाँ का। और तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अरे पगली, नाराज हो गई? मैं तो मजाक कर रहा था, देख रहा था कि तेरा प्यार सच्चा है या नहीं। ओके बाबा, आई एम सॉरी। ओ राजा बाबू, Yeah.
मुझसे मोहब्बत करती है ये गोरी, आती है रोज रोज मिलने चोरी चोरी। मुझसे मोहब्बत करती है ये गोरी, आती है रोज रोज मिलने चोरी चोरी। घर से निकलती है ये डर डर के, इसलिए गोरी का ये दिल धड़के। रेशम की चुनरी चुनरी के भीगे, गोरी का धस धस दिल धड़के, गोरी का धस धस दिल धड़के। तेरा बाहा पिया है ये चैन छपिया, गोरा रंग है सखी रूप भी है कटिया। मुझको निहारे नैना मुड़ मुड़ के, इसलिए गोरी का ये दिल धड़के। रेशम की चुनरी चुनरी के भीगे, गोरी का धस धस दिल धड़के, गोरी का धस धस दिल धड़के, गोरी का धस धस दिल धड़के, गोरी का धस धस दिल धड़के। मेरे कचरे का डब्बा है, कुछ खाने को मिलेगा। हाय हाय हाय, कुछ भी नहीं है। दुनिया कितनी भूखी हो गई है, इस भूखे के लिए कुछ जोड़ा ही नहीं। पानी बहुत प्यास लगी है। निकलो बाहर, निकलो बाहर, मुझे बहुत भूख लगी है। निकलो बाहर, मुझे बहुत भूख लगी है। निकलो, 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 निकलो बाहर, बहुत भूख लगी है रे। कौन कहता है तेरे राज में अंधेरा देर नहीं। केला आपका युबूद आ रहे बाबा। अरे अरे बेटी भारत, तू आ जा, अपने बाप के साथ मिल मिल के नहीं गाएंगी। आ जा, आप यहाँ बैठे हो, चलो चलो घर चलो। पारू और पागल, इन दोनों में क्या रिश्ता है, पता लगाना होगा। अरे बंगले, सगे का सगा नहीं हुआ, वो भाई थोड़ा है, वो कसाई है, कसाई। भगवान उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, तू करेगा ना, नहीं करेगा ना। मार मारूंगा, मारूंगा, ये बहुत मीठा है। बोलो गज्जर सिंह, क्या चाहिए तुम्हें, बंदूक गोलियां या बम? बाहर में गए तेरे बम, बाहर में गई तेरी गोलियां। अरे लोगों का खून पी पी के थक गया हूँ, पुलिस का सामना कर करके थक गया हूँ, तब तक कुत्तों का सामना करता रहूंगा। अब एक बम है जो मेरी आंखों में समाया हुआ है, वो कभी भी फट सकता है। उसको ठंडा कर दे ठाकुर, वो कभी भी फट सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि धरती फट जाए। चलो गद्दर सिंह, तुम्हारी ये भी तमन्ना पूरी कर देते हैं, जलसे की तैयारी करो।
मशहूर हो जाए सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए अगर दिल बल की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो इसीलिए तो हमें पैदा किया है ताकि पूरी जिंदगी भर सिर्फ अय्याशी ही करते रहे। बजरंग, बजरंग मुझे माफ कर दे। तुझे माफ कर दूं? बजरंग मुझे मारो मत। नहीं मुझे मारो मत बजरंग, मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दो ताकि तू गरीबों पर जुल्म कर सके। मैं छोड़ूंगा तुझे। अच्छा लग रहा ना आज? मुझे मत मारो, मत मारो। नहीं छोड़ूंगा तुझे। गांव वालों सही तरह बता दो ये खून किसने किया है। छुपने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं जानना चाहता हूं कि ये खून किसने किया है। सर ये क्या बताएंगे,
ये भी ठाकुर की तरह एक ही थाली के चट्टे बट्टे साले। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हवेली है ये चरस अफीम और गांजे से भरी हुई है, और हो सकता है इनमें से किसी ने ठाकुर का कत्ल किया हो। ठाकुर का खून हुआ है, ये सबूत है तुम्हारे पास? अरे मिलेगा सबूत आज नहीं तो कल मिलेगा। एक बार वो मेरे हाथ में आ जाए ना तो मैं छक्के उड़ा दूंगा। एक काम करो, तुम पुलिस स्टेशन जाओ, मैं ढूंढ कर आता हूँ। ठीक है ठीक है। सॉरी सर। क्या आदमी है? वेरी सॉरी सर, वेरी सॉरी सर। एक काम कीजिए, आप जाइए, मैं आता हूँ। भागले। आए हाय भागले, कई सरकार के हाथ लग गए तो छक्के से मेंढी बना देंगे। कहाँ जा रहा था छप्पन छुरी? अरे मेरे सरकार को बुरी नजर ना लगे, ये हिलना जुलना बंद कर दे यार। आप ऐसा करेंगे तो मेरी तो दुकान बंद हो जाएगी ना। तू दुकान का शटर खुला रखना। इधर आ, सामने आ। दुकान का शटर खुला रखता हूँ। ये बता कि पंडित किधर है? पंडित? पंडित तो मंदिर में होगा ना। पंडित मंदिर में होगा ना। उसको मैं मंदिर में देखूंगा और तेरे को मैं अंदर देखूंगा। अंदर? अच्छा कहाँ लेके जा रहे हो? तुझको आगे मेरी ड्यूटी मालूम है मुझको, अरे आराम करना जरूरी है तुझको आगे मेरी ड्यूटी मालूम है मुझको। कोई शरारत तो हमसे तो करियो, कोई शरारत तो हमसे तो करियो।
पर क्या करें, बड़ी आफत में हम हैं। तेरे नजर आज कुछ बेशरम है, पर क्या करें, बड़ी आफत में हम हैं। आलम है तन्हा, हम तुम है गोरी, आलम है तन्हा, हम तुम है गोरी। नैना लड़ाई लियो ना, हो नैना लड़ाई लियो ना, कि पंखा कि पंखा कि पंखा झेलब तो गाया, तो पहले चादर बिछाई दियो ना, कि पंखा झेलब तो गाया, तो पहले चादर बिछाई दियो ना। अपने पास बुला लिया प्रभु, मुझे बख्श दो प्रभु, मुझे बचा लो प्रभु, प्रभु प्रणाम। मैं ये गांव छोड़कर मैं जा रहा हूँ प्रभु, प्रभु मुझे बचा लेना प्रभु। भाग ले भैया, अरे अरे निकल ले, अरे कोई नहीं है प्रभु। अरे गंगा तुम, दिल से दिल की राह होती है, मैं भगवान से कह रहा था कि गंगा को लंबी उम्र दे, उसको शांति दे, सुख दे, सब कुछ दे। अभी अभी तू मेरे ही नाम का जाप कर रहा था ना, देख मैं आ गई। भगवान तुझे सुख दे गंगा, मुझे छोड़ दे। गंगा का सुख छीनकर उसे दुख देने वाले, तू मेरे सुख की कामना कब से करने लग गया? गंगा तू मुझे मत मार, तूने ठेकेदार और शेरा को मार के बहुत अच्छा किया, बड़े कमीने थे, बड़े गुंडे थे, बड़े बदमाश थे, गाँव वालों को बहुत परेशान करते थे, अच्छा किया तूने उनको मार के। वो लोग हरामजादे, कुत्ते, कमीने, और तू शरीफ। हाँ। मुझे तेरी बात सुनकर हंसी आ रही है। तूने कहा था ना, प्रसाद पर सबका हक होता है, उसी तरह हर जुर्म करने वाले को कुत्ते की मौत मारना गंगा का हक होता है। नहीं गंगा मुझे माफ कर दे, गंगा मुझे माफ कर दे, गंगा गंगा मुझे माफ कर दे, गंगा मुझे माफ कर दे, मैं गलती हो गई गंगा, मुझे माफ कर दे गंगा। तुझे मारकर मैं पाप नहीं गंगा पुण्य करने जा रही हूँ, तेरा इस धरती से बहुत कम करने जा रही हूँ। गंगा मुझे छोड़ दे। माफ कर दे गंगा, अरे गंगा मुझे माफ कर दे गंगा, मुझसे गलती हो गई। अरे हेलो इंस्पेक्टर राज, एक खून और हो गया, तुम कर क्या रहे हो? सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश से कुछ नहीं होगा, डाकू गंगा और बजरंग को जल्दी पकड़ो। सर बहुत जल्द डाकू गंगा और बजरंग हमारी हिरासत में होंगे, आई प्रॉमिस यू सर। सर आपकी आवाज, ये चेहरे पर शिकन, ऐसा लगता है कि कोई लव स्टोरी में ट्विस्ट आ गया है। मुझे लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए हैं इश्क में नहीं, मेरा मतलब कुछ परेशानी है, परेशान है। कनुआ रे कनुआ, कनुआ रे कनुआ, आज मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे दे। क्यों सरदार? वो हमारा सांड है ना सांड, वो बजरंगा और गंगा का क्रिया कर्म करके उनके हड्डियां लाता ही होगा, इसलिए खुश हूं। सरदार सरदार, अरे मेरा सांड आ गया, मेरा सांड आ गया सरदार, आ गया मेरा सांड। सरदार सरदार, आपके पगले भाई ने बजरंग और गंगा को बचा लिया। मेरा सांड, मैं जरा ऊंचा सुनता हूँ, क्या वो लोग भाग गए? अच्छा वो भाग गए।
सरदार हम तो हंस रहे हैं, आप क्यों रो रहे हो? सरदार हम सब हंस रहे हैं, तुम क्यों रो रहे हो? हंस इसलिए रहा हूं कि इससे बढ़िया खुशखबरी आज तक किसी ने नहीं सुनाई। रो इसलिए रहा हूं कि अब किसके मरने की बारी है? सरदार किसकी बारी है? तेरी बारी है। की तरह अब जाओ, मेरे पगले भाई को पकड़ कर लाओ, जाओ मेरे कनुआ। सरदार कनुआ असली बात सुन के जा रहा है? अरे असली बात तो आप करूंगा। क्या सरदार? सुना है उसकी बेटी पारों पर बहुत गजब हो गया सर, गजब हो गया सर। क्या हो गया? डाकू गदर सिंह ने उस पगले और पारों को उठाकर ले गया है। और कहाँ उठाकर ले गया है? मेरी तरक्की होगी, मैं इंस्पेक्टर बनूंगा, सिर्फ मेरे को मालूम है। क्या? कम फॉलो मी, कम कम। ओह नो। हेलो सर, मैं इंस्पेक्टर राजा बोल रहा हूँ, ऑपरेशन चंबल से। बोलो इंस्पेक्टर राजा, क्या बात है? सर हमें गदर सिंह और उसके अड्डे का पता चल गया है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जितनी भी मदद चाहिए हम देंगे। सर हमें हमले के लिए बहुत सारा गोला बारूद और पुलिस फोर्स चाहिए। ठीक है, मैं फौरन रवाना कर देता हूँ, तुम गदर सिंह और बजरंग को गिरफ्तार करके लाओ। सर बहुत जल्द। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सरदार सरदार सरदार, खबर मिली है कि गदर सिंह ने पगले और पारों को उठा लिया है। गया हूँ साले की गंदी हरकतों से और छोड़ चुका हूँ उसे मैं, जिसका अंत आ गया है, अंत आ गया है साले का। पगले तू मुझे लाया है ना? अच्छा तो ये ले खा ले, बहुत प्यारा है, नहीं तो मार, बहुत प्यारा है। भैया ये मेरे जिगर के टुकड़े, ये सितारों के खिलाड़ी, दुनिया में सबसे बड़े अनाड़ी, पहले ये बता तूने बजरंग को क्यों बचाया रे? मारूंगा, इतना मारूंगा कि तू याद करेगा। तुझे पता है पगले, बजरंग की मौत हजारों गरीबों की मौत है, अगर तूने उसे मार दिया तो तुझे कीड़े पड़ेंगे, तू हजारों की आयन लेगा। अब पता है तेरी बारी है, तेरी बारी। अच्छा तो मेरे पगले भाई को पैसा चाहिए, पैसे के सिवा कुछ और चाहिए तो बोल बोल, मुझे क्या देगा? अगर तुझे मुझे ना दिया ना तो मैं तुझे पता क्या दूंगा? ये लो खा लो, पहले तो तेरी जान चाहिए, उसके बाद तेरी जानों की जान, सबसे प्यारी जान, ये जान चाहिए। अरे ओ तवायफ की औलाद, तुझसे और क्या उम्मीद की जा सकती है, जो अपनी बेटी समान भतीजी को सारी दुनिया के सामने जलील कर रहा है। अगली तू तो मेरा रस गुलाबों का रस है, गुलाबों का फूल है, जैसे भमरा रस पीने के लिए गुलाबों पर उड़ता रहता है, मैं तो कभी भी हमरे की तरह उड़ता रहूंगा। इससे पहले कि तेरा रस पीऊं, इस पगले का रस पीकर हमेशा के लिए राम नाम सत्य कर लूं। गदर सिंह किस किस को खत्म करेगा वैश्य दरिंदे? बजरंगा आ गया। अरे हाथ जोड़ो, अरे हाथ जोड़ो, तेरा अंत आ चुका है, अरे मुझसे निपट ले कुत्ते। बजरंग
कमीने को छोड़ना नहीं। बजरंग भैया, इस कमीने को नहीं छोड़ना। ये बता, तू भी अपने मारते पर मौत का तिलक लगा के आया है क्या? अरे तिलक विलक भूल जा भैंसे, आज यह तिलक नहीं खून की होली होगी, और उस होली में तू नहीं तेरे सब जानवर बह जाएंगे। बजरंगा, अरे ओ बजरंगा, अरे मेरे लल्लुआ, तुझे पता नहीं अब तू शेर के पंजे में आ चुका है। ए! हरकत मत करना, अगर जरा भी तूने उंगली दबाई तो पता है चारों तरफ क्या है। चारों तरफ इस गदर सिंह ने बम बजा रखे, इधर से तू उंगली दबाएगा उधर से परमात्मा तुझे उठा लेगा। बमों की धमकी जो दे रहे हो ये धमकी नहीं, ये तुमने अपनी और अपने साथियों की खुदकुशी का ऐलान किया है। अब तुम्हें आखिरी बार एक चीज देखनी पड़ेगी, इस कन्या का डांस। जब तक ये जिंदा है तब तक तू जिंदा रहेगा, और जब ये स्वर्गवास हो जाएगी तू अपने आप स्वर्गवास हो जाएगा। मेरे बजरंगा बजरंग नाच, प्रिय नाच, नाच। Yeah.
दो को उड़ा दिया। तीन। गंगा, मैंने वही किया जो हमेशा प्यार करने वाले किया करते हैं। जब तक दुनिया में प्यार जिंदा रहेगा ना राजा, तब तक प्यार करने वाले इसी तरह बलिदान देते रहेंगे। गंगा, राजा पारो तुम्हें बहुत प्यार करती है, उसे संभाल के रखना राजा। गंगा, राजा, गंगा, गंगा। गद्दर सिंह, गंगा तू भी मर गई अपने पगले बाबू को छोड़कर। सुखी रे, तूने अच्छे काम किए, तू स्वर्ग में जाएगी। सुखी रे गंगा, भगवान तेरा भला करे, अब इस पगले का कौन सहारा रे। Thank you.
मुझे भी आनंद संत की औलाद। ओ दिलदार सिंह, आओ गिरफ्तार कर लो मुझे, शायद तुम्हें कमिश्नर बना दिया जाए। आओ नमस्ते मेरे भाई बहनों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तुम लोग समझते होगे मैं पगला हूँ, पगला हूँ, पगला हूँ। मैं जरा दिमाग लगा के देखो, क्या तुम लोग पगले नहीं हो? कोई रोटी का पगला है, कोई सोने का पगला है, कोई बोटी का पगला है, छोटी का पगला है, सब लोग पगले हैं। फिर भी इस पगले की बात सुन रहे हो और अभी तक यहाँ बैठे हो? जाओ, अपने खून का आखिरी कतरा अपने देश के लिए बहाओ। जय।